भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को शहर के प्रमुख बाजारों व फुटपाथ का भ्रमण कर दुकानदारों से प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कई जगह वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्ष लगा रहे हैं। वहीं बाजारों में दुकानदारों से प्लास्टिक की थैली नहीं इस्तेमाल करने की भी अपील की जा रही है। विधायक ने बताया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से जगह जगह नालियां जाम हो रही है। वहाँ मवेशी भी प्लास्टिक की थैलियों में फेंके गए वस्तुओं को खाकर दिन प्रतिदिन बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए विधायक ने बताया कि वह सभी दुकानदारों से मिलकर उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहे हैं। ये हम लोग पर्यावरण के जो आज जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और उसे काफी दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। और आज एक तरफ हमारे कार्यकर्ता वृक्षारोपण कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हम इस बाजार में घूम के लोगों जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि आप पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करो। अपने दुकानदार भाइयों से, खास करके जो सब्जी और छोटे छोटे दुकानदार हैं जहां बहुतायत में पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है, इन लोगों से आज आग्रह कर रहे हैं, कड़ाई से भी आग्रह कर रहे हैं, प्रेम से भी आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई आज आप जो है वो पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद कीजिए, या तो खुद आप जो है जो पर्यावरण के लिए ये जो किया हुआ इतना कितना माइक्रोन का झोला है इसको इस्तेमाल कीजिए, या ग्राहक से बोलिए कि खुद झोला लेकर के आए, कपड़े का थैला लेकर आए और पॉलिथीन में हम न बेचेंगे न उसमें सामान देंगे या संकल्प देंगे। और हमने कहा है कि कल से अगर पॉलिथीन मिलेगा तो आपके दुकान को बंद करा दूंगा। कितना कारगर होगा? नहीं, धीरे धीरे काफी प्रभावित हो रहा है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और आज कैंसर का बहुत बड़ा स्रोत यह पॉलिथीन बन रहा है, तो लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पॉलिथीन हानिकारक है हमारे शरीर के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा हानिकारक है। नाली में लोग पॉलिथीन फेंक देते हैं, पूरा नाला जाम हो जाता है, हर तरह के दुष्परिणाम इसके पॉलिथीन के। इसलिए आज अब मुझे उम्मीद है कि जितना जगह मैंने गया है, मैं गया हूँ, आग्रह किया हूँ, उम्मीद करते हैं कि कल से ये लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करें।